ही नहीं, लेकिन सह उद्देश्य किस तरह से एक धर्म विशेष के लोगों को मनोबल को बढ़ाने के लिए और बहुसंख्यक समाज के मनोबल को गिराने के लिए षड्यंत्र पूर्वक किस तरह से राजस्थान में इन हत्याओं को कारित किया जा रहा है। और ये जो पूरी सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस के कुछ जो उदाहरण मैंने आप सबके सामने रखे, ये उदाहरण इस बात का द्योतक है। हिंदू पर्व और त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया, अभी हाल ही में होने वाले नवरात्रि में होने वाले गरबा उत्सवों को जिस तरह से रोकने के षड्यंत्र किए गए, रामनवमी से लेकर के विभिन्न धार्मिक उत्सवों को मनाने पर प्रतिबंध लगाए गए, धारा 144 लगाई गई। वहीं दूसरी तरफ पीएफआई के जुलूस को सह सम्मान पुलिस के संरक्षण में निकालने का पाप इस अशोक गहलोत सरकार ने किया है। संभावित हार जो है, जो आज अवश्यंभावी और सामने दिखाई दे रही, उस दीवार पर लिखा हुआ पढ़ा जा सकता है कि प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ रही है। ये सदी की सबसे भ्रष्टाचारी सरकार, ये आजादी के बाद की सबसे ज्यादा भ्रष्ट सरकार, अब अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए अनर्गल बयान देकर के अपनी हार और अपने मुंह पर छिपी हुई इस अपने सामने दिखती हुई हार और अपने मुंह पर छिपी हुई इस कालिक को छुपाना चाहती है। उल्टे सीधे बयान देकर के मीडिया में जो है बिना किसी आधार पर के टिप्पणियां करके माननीय मुख्यमंत्री जी इन सब विषयों से बच निकलने का असफल प्रयत्न करते हैं। राजस्थान की जनता आज इस कांग्रेस सरकार से जवाब मांग रही है और अब आने वाले चुनाव में ये जवाब लेकर के रहेगी।